बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। ब्रह्मपुरी रावली महदूद क्षेत्र से बीडीसी पद के उम्मीदवार योगेश शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हमको आप सभी का सहयोगात्मक वोट चाहिए ताकि मैं तमाम समस्याओं के समाधान के लिए आपके हक की लड़ाई लड़ सकूं। उन्होंने बताया कि शिक्षा नशाखोरी के विरोध हम खड़े रहेंगे, बेहद गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए जरूरी है कि हम सभी लोग कूड़ा नाले में ना डालकर केवल कूड़ादान में ही डालें। योगेश शर्मा ने कहा है कि आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। लोगों को भी कहा है कि इनके चुपचाप जो है चेकिंग की। मेरी मित्रता है पुलिस के लोगों से, बहुत अच्छे लोग हैं जो सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं नौकरी करने के साथ साथ, और वो चिन्हित कर रहे हैं कि ऐसे युवाओं को बिगड़ने ना दिया जाए, इसलिए वो सिविल कपड़ों में भी घूमते हैं ताकि वो हाथ लग जाएं। अभी कुछ एक दो लगे हाथ, उनको चालान कर दिए, उनको जेल भेज दिया, कुछ धाराएं लगा करके जेल चले गए वो लोग। तो क्या आप इस संज्ञान के लिए शिक्षा पे ज़्यादा प्रेरणा देंगे जो शिक्षा से युवा में सुधार आए? सबसे पहले तो बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगार नहीं रहेंगे, शिक्षित होंगे तो बेरोजगार के लिए भी वो काम, मतलब रोजगार ढूंढेंगे। शिक्षा का अलग मुद्दा है, बेरोजगारी का अलग है। जिसने शिक्षा ग्रहण कर ली और वो फिर भी बेरोजगार है तो बेरोजगार क्या करेगा बताओ, कहीं नौकरी तो मिल नहीं रही, तो फिर नशे का ही काम कर, नशा ही गलत दिमाग जाता है गलत तरीके से। तो ये जो है मेरा मुद्दा रहेगा कि कम से कम युवाओं को रोज़गार मिले और हम उनकी सहायता करें। जनप्रतिनिधि अगर बन जाते हैं तब भी, ना बने तब भी, 24 घंटे हमारा यही होना चाहिए। और सबसे नमस्ते जी, पहला मुद्दा यही है कि लड़के आवारा लड़के जो महिला बहनों को छेड़ते हैं, भपतियाँ कसते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा हमें सख्त होना पड़ेगा, और हो भी रहे हैं, ये है सर। नाम योगेश शर्मा है, मैं ग्राम ब्रह्मपुरी रावली महदूद का निवासी हूँ और पिछले 40 साल से यहीं रहते हैं और यहीं पर सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता की आवाज़ समय समय पर उठाते रहते हैं, बस यही हमारा कार्य है, सामाजिक कार्य। बीडीसी लड़ना मेरा ये उद्देश्य है कि एक जनप्रतिनिधि अगर ब्रह्मपुरी गाँव को मिलता है तो मैं अपने गाँव की आवाज़ उठाऊँगा। शासन प्रशासन से लगाकर एमपी एमएलए हो गए, ब्लॉक प्रमुख जिताना, एक पढ़ा लिखा आदमी को बनाना मेरा लक्ष्य होगा। और जब पढ़ा लिखा आदमी बनेगा तो जितने ब्लॉक के कार्य होंगे वो मैं कराऊंगा, क्योंकि बीडीसी क्षेत्र में हमारे पास कोई कोटा तो होता नहीं है, बीडीसी का तो कोई कोटा नहीं होता ना, इसलिए हम सिफारिश करके ही काम निकलवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के जितने मुद्दे हैं, किसी का पेंशन नहीं बंधी हुई है, कोई घर नहीं है, गरीब महिला है और बहुत ही गरीब बेरोजगार और कोई कमाने वाला नहीं है, घर भी नहीं है, तो ऐसी महिलाओं को तो मिलना चाहिए ना उनका हक। तो ये ब्लॉक में मुद्दा उठाऊंगा, प्रमुख बनते ही ये सबसे पहला मुद्दा होगा। और कुछ लोगों के राशन कार्ड भी नहीं है और गरीब लोग हैं बहुत, अमीरों के राशन कार्ड बने हुए हैं गरीबी रेखा वाले और गरीबी रेखा वालों के बने हुए हैं अमीरी वाले, तो इसका भी थोड़ा सा करूंगा मैं, एक बार थोड़ा हाथ में कुछ आ जाए फिर देखता हूं, वैसे तो आवाज़ उठाता ही रहता हूं। शिक्षा व चिकित्सा देखो यहां पे कैसी है युवाओं की, और यहां पे देखो क्या चल रहा है, जो युवा हैं यहां के, जो बाहर के किराएदार बिजनौर इधर उधर के आए हुए हैं, उन्होंने यहां के युवाओं को भी बिगाड़ दिया है, वो नशा करते हैं और यहाँ के युवाओं को भी नशे का आदि बना दिया है, इंजेक्शन लगाते हैं। इसको मैंने सीएमओ से कहा है कि एक अभियान चलाइएगा आप, और ये जो है जो जितना मेडिकल स्टोर हैं इन पर नशे का चेकिंग कीजिएगा कि नशा कहीं कोई दवाई तो नहीं बेचते, इंजेक्शन तो नहीं बेचते हैं। हरिद्वार से ब्यूरो रिपोर्ट, रणविजय कुमार।